तो और भी नहीं कह रहा भाई, वो क्या हाल चाल आप लोग होता है, क्योंकि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैसे आप लोग एस डोमिनेटर टू कॉन्कर कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि भाई एस डोमिनेटर पे फंस चुके हैं, मतलब कि एस डोमिनेटर के बाद उसका प्लस नहीं हो पा रहा है। तो भाई इस गेम पे लोग देखने के बाद आपका समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से हम लोग प्लस करते हैं। देखो एस डोमिनेटर पर हो, एस मास्टर पर हो, कुछ भी हो, आपका कॉन्कर हो सकता है अभी भी, क्योंकि अभी एक महीना और भी टाइम है जो कि आप लोग आराम से कॉन्कर पुश कर सकते हो। और गाइस आप बात कर लेते भाई इस गेम पे लेकर, देखो इस गेम पे मैंने बहुत ज़्यादा मैंने किल निकाला था, वो चीज़ आपको बाद में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी मारना था स्क्वाड वालों को, क्योंकि यहाँ पे फाइट चल रहा था और मुझे उस टाइम पे एक भाई बॉट का फायर आता है जो कि भाई ओपन में था दोनों ही बॉट। सबसे पहले तो यहाँ पर इस बॉट को मैं नॉक करता हूँ और इसका नॉक पड़ा हुआ था, इसको मैं किल चुरा लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर मेरा दो किल का अभी शुरुआत हो चुका है। और भाई मैं आपको बता दूँ, देखो दो किल के अलावा मैंने एक भी बॉट नहीं मारा है, सारा का सारा मैंने पिलर मारा था और मैंने बहुत सारे किल किया था। आपको मैं दिखाता हूँ भाई कैसे कैसे मैंने किल मारा था और मैं कैसे कैसे दो गाड़ी से बहुत ज़्यादा मुझे फायदा हुआ था। अब यहाँ पर तो भाई स्क्वाड हाउस वाले बंदे हिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये बंदा पूरा एकदम कैम करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको हिलने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग रैंक पुशर होते हैं, तो भाई कोई भी बंदा फाइट लेना नहीं चाहता है। तो भाई आप लोगों से बातचीत कर ही रहा था कि यहाँ पर मेरा टीममेट बोलता है कि मुझे कोई कैंपर मिल गया और उसने मेरे को नॉक पिन डाल दिया, और इसी वजह से यहाँ पर मुझे उसको रिकॉल करने के लिए भी जाना पड़ेगा पोचिंग की के स्क्वाड हाउस में। आप देखते कि भाई कहाँ पर रिकॉल कर सकते। तो वैसे आपको चीटर लोगों से बचने के लिए ना आपको भाई एक मस्त ट्रिक बताता हूँ, और आपको मैं ये ट्रिक मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ आजकल, तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। देखो ये वाला ट्रिक कैसा है, तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, दोनों बग्गी लेता हूँ, मतलब कि दो अपने टीममेट के पास गाड़ी देते हैं, ठीक है। तो एक टीममेट को आगे भेज देता हूँ, कम से कम उसको 800 या फिर 1000 मीटर आगे भेजता हूँ, तो उसके पीछे पीछे मैं चल रहा होता हूँ। तो इससे क्या होता है पता है, मतलब कि सेंटर पर करना रहता है, जैसे कि देखो हम लोग तीसरा जोन में हम लोग रोटेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको किल भी निकालना रहता है और हम लोग सेंटर जाना मतलब ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं। तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले तो भाई सेंटर जाने के लिए अपना टीममेट को भेज देता आगे, या फिर मैं खुद आगे चला जाता हूँ कई बार। तो हाँ भाई यहाँ पर मैं रिकॉल करने के लिए आया था, बट एक बंदा मुझे दिखता है जो कि भाई स्क्वाड हाउस की छत के ऊपर मतलब कि बेलकोनी के ऊपर खड़ा था, और पता नहीं अरे बंदा क्या कर रहा था, बट इसको मैं नेट भी करता हूँ लेकिन ये बंदा फिनिश होता नहीं है। और मुझे लगा कि भाई और भी कोई बंदा होगा, बट यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं क्योंकि एक ही बंदा था यहाँ पर। तो बट मैंने सारे नेड मॉली सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया भाई जितने कुछ था, क्योंकि भाई स्क्वाड हाउस पर रेस करने से पहले ये सब चीज़ ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी था। अब यहाँ पर तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया भाई, कोई भी बंदा मुझे नहीं दिखता है। बट यहाँ पर एक और तसल्ली के लिए यहाँ पर मैं मॉली कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे कोई भी बंदा मुझे फायर लेके ना मार पाए। यहाँ पर मैं मॉली करता हूँ तो मुझे पता चल गया कि भाई कोई भी बंदा इसका नहीं है। अब यहाँ पर तो अपने टीममेट को फटाफट से भाई रिकॉल भी कर देते। तो भाई देखो बात कर रहा था कि आप लोग कैसे रोटेशन ले सकते हो, देखो रोटेशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोग कम से कम 1000 मीटर आपको टीममेट को भेज दो। तो इससे क्या होता है पता है, नजदीक अगर आपको कोई भी हैकर मिल गया तो उससे पहले आपको टीममेट को गिरा देगा गाड़ी से, तो टीममेट को गिरा देगा तो आप लोग समझ जाओगे कि भाई आपका सामने जो है वो हैकर ही है। तो इस वजह से आप लोग तीन जो उनमें अगर निकलता है तो उस टाइम पर रिकॉल भी इनेबल रहता है, मतलब कि रिकॉल वाला सिस्टम जो तब तक बंद नहीं होता है। तो इस वजह से आप लोग आराम से रिकॉल कर सकते हो, दोबारा से अपने टीममेट को बुला सकते हो। अब गाइस यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ इसलिए बताया क्योंकि देखो बहुत सारे बंदे को प्लस नहीं हो पाता है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि यार मेरा प्लस ही नहीं हो रहा है, मैं सेंटर तो पकड़ रहा हूँ, तुम सेंटर पकड़ने के लिए बोल रहे हो सेंटर पकड़ रहा हूँ लेकिन मेरा प्लस नहीं हो रहा। तो भाई सेंटर पकड़ोगे एक साथ जाओगे तो भाई दोनों को ही हैकर गिरा देगा ना, अगर आप लोग 200 मीटर के आसपास रहोगे तो भाई इस वजह से आप लोग एक साथ मत जाया करो, और कम से कम तो दो गाड़ी आप लोग लिया करो अगर आप लोग डुओ खेल रहे हो तो। अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो फिर तो आपको एक ही गाड़ी से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो मैं दोनों बग्गी उठा लिया था, अपना टीममेट को भी एक बग्गी दे देता और मैं भी बग्गी उठा लिया था। तो अब तो यहाँ पर भाई कुछ मतलब दिक्कत नहीं होने वाला, अगर मुझे टीममेट का सपोर्ट चाहिए होगा तो मुझे टीममेट भी सपोर्ट कर सकता है और मैं भी उसको सपोर्ट दे सकता हूँ। अब यहाँ पर भाई चलते भाई फटाफट से जोन के अंदर, क्योंकि जोन जो है बहुत दूर कर चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे निकल रहा था क्योंकि मुझे अब तक पता चल चुका था भाई कोई भी हैकर नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे अलाइव थे, देख सकते 51 बंदे अभी अलाइव है, मतलब कि भाई इस गेम में कोई भी हैकर नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मैं सबसे पहले तो भाई सेंटर जाने के लिए यहाँ पर चलता हूँ आगे। भाई अब तो जोन के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि असली यूज क्या होता है दो गाड़ी लेने का। अब यहाँ पर देखो मेरे टीममेट पीछे पीछे आ रहा था और मैं भी आ रहा था आगे आगे, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि एक मैकलरन पीछा कर रहा था और मेरे टीममेट उतर के उसको मार रहा था। अब यहाँ पर मैं अपना बग्गी भी रोक देता हूँ और उसको मैं कैसे मारूंगा देखो सिर्फ।
तो भाई ये होता है यार बहुत ही ज़्यादा फायदा वाला चीज़, क्योंकि देखो आप लोग दो गाड़ी लेके जा रहे हो ना तो अलग अलग एंगल बना के मार सकते हो किसी भी बंदे को, अगर कोई भी बंदा एक जगह पे बैठा हुआ ना तो दो एंगल बना के आप उसको दोनों तरफ से पेल सकते हो। अभी पर मुझे भाई देख रहा था एक ड्रॉप जिसको कि मैं लूट लूँगा। अभी पर बात करते हैं भाई कि कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लस कर सकते। देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस लेने के लिए ना कम से कम आपको रस करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको किल निकालना पड़ेगा, कम से कम 3-4 किल निकाल रहे हो फिर भी बहुत ही काफ़ी होता है, मतलब कि 3-4 किल भी बहुत ही इनफ होता है अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो। कम से कम एक या फिर 0 किल नहीं होना चाहिए, कम से कम आपका 2-3-4 किल होना चाहिए, 3 किल भी चलेगा लेकिन 2 किल कम से कम 4 किल आप लोग करने की कोशिश करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लस मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा किल करोगे उतना ज़्यादा आपको प्लस मिलेगा। और गाइस आपको भी दिखाऊंगा कि भाई असली प्लस क्या होता है यार, मतलब कि असली प्लस कैसे मिलता है। अब इस गेम प्ले में तो कम से कम मैं एज डोमिनेटर तक पहुँच चुका था, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच चुका था, बट इसके बाद मैंने पहुँचा था अपना एज डोमिनेटर और कम से कम मैंने 10,000 रैंक अपना कर दिया है, मतलब कि 9,300 रैंक पे अभी आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरे टीममेट ना किसी बंदे को नॉक कर देता है, इसी वजह से यहाँ पर मुझे जाना था उसके पास ही, क्योंकि एक और बंदा बचा हुआ जो कि भाई पता नहीं कहाँ पे, बट उसको मारेंगे भाई दूसरा एंगल बनाकर, जो कि मैं आपको बता दिया कि भाई दो दो गाड़ी होने का बार बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। देखो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख रहा था जिसकी अभी मैं कैसे मारूंगा। देखो भाई इस बंदे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस तरह से उसको मार सकता हूँ, तो भाई ये होता है यार फायदा, दो दो एंगल बना के मारो भाई आराम से किसी भी बंदे को मार सकते हो, क्योंकि बंदा तो भाई बचने के लिए यार एक ही साइड देखेगा ना, दोनों तरफ तो देखेगा नहीं, इस वजह से आप लोग आराम से दूसरे साइड जाओ आराम से पेल दो। अब यहाँ पर तो भाई मेरा हो चुका है भाई 5 किल, अभी तक तो मेरा 5 किल हो चुका है लेकिन और भी किल निकालने वाले, देखो कि कैसे मैं किल निकालता हूँ, इसी वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा प्लस होता है। तो भाई इस गेम में आपको दिखाऊंगा भाई कितना ज़्यादा मैंने प्लस लिया था और मैं कितना पोजीशन में आया था फिर भी मेरा इतना कैसे प्लस हो गया, आप लोग बताना जरूर। अब यहाँ पर मैं बैठा था जॉन का इंतजार कर रहा था कि भाई जॉन कब करेगा, और इस टाइम पर मुझे भाई बग्गी का साउंड आता है जो कि भाई बग्गी दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन इस बंदे को चाहिए था भाई सैक, और सैक के चक्कर में इस बंदे का कैसे पेटी बनेगा देखो। अब भाई सबसे पहले एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ और भाई दूसरा बंदा इतना नमूना था कि भाई ओपन मैक उसको कवर देने के चक्कर में मतलब वो खुद मर गया। भाई इस बंदे को यार जो ही पेला यार, मतलब इस बंदे को थोड़ा सा सांस लेने का ही मौका नहीं मिला, जैसे ही सैक पेट होकर सीधा मर गए। अब यहाँ पर तो ना गाड़ी कोई भी नहीं देख पा रहा था, मतलब हमारा जो गाड़ी है वो रिज के नीचे लगा हुआ, मतलब कि यहाँ पर गड्ढा है ना, तो कोई भी बंदा नहीं देख पा रहा था कि भाई कोई भी गाड़ी है या फिर नहीं है, तो इस वजह से सीधा आके मतलब सैक पर रुक रहा है और भाई सीधा मर रहा है बंदा। तो भाई देखो बहुत सारे गाड़ी आने वाले थे, मुझे पता था कि यार बहुत सारे गाड़ी यहाँ से रोटेशन लेने वाला है, और उसी टाइम पर मुझे भाई दिखता है एक और बग्गी। भाई इस वाले बंदे को तो थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ और ये बंदा भाई जाके सीढ़ी पे छुप जाता है, इसको भाई थोड़ा बहुत डैमेज भी करता हूँ लेकिन ये बंदा भाई बग्गी के पीछे चला जाता है। अब यहाँ पर मैंने टीममेट ना दूसरा एंगल बना के उसको कैसे मारेगा देखो, सिर्फ इसको मेरा सिर्फ लोकेशन पता था, अब यहाँ पर देख सकते भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा मतलब हर एक नेट से थोड़ा बहुत करके डैमेज हुआ था और एक नेट थोड़ा सा दूर भी था फिर भी उसको फोड़ दिया नेट से ही। अब यहाँ पर मैं लूट लेंगे लाता हूँ इस वाले पेटी को, क्योंकि मुझे लूट वगैरह चाहिए था थोड़ा बहुत एमओ, या यहाँ पर मुझे ग्रेनेड वगैरह चाहिए था। अब यहाँ पर मेरे साथ अभी तक सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है हमारे साथ देखो, सिर्फ मेरे टीममेट बोलता है कि भाई कहाँ से नॉक किया मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि ये बंदा जो है ना बहुत दूर से मार रहा था, मतलब कम से कम वो 400 या फिर 300 मीटर दूर से मार रहा था, मतलब कि वो बंदा हैकर है यार, मतलब साफ सी बात है हैकर है। अब यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे भाई गाड़ी लेके जाना था, लेकिन मैं फिर भी स्मोक कर रहा था, अब मुझे लगा ना राइट साइड में कहीं पर रिज पे था लेकिन मैं गलत था, ये बंदा कहाँ से मारा देखो सिर्फ। तर जो भी यार इस वीडियो में आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिलहाल तो मैंने सब कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक बता दिया, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा जो है प्लस हुआ ना वो 19 का प्लस हो चुका भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल प्लस यार। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मिलते हो इसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।